नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। इस वीडियो में आज बताएंगे कि बेस्ट मिड कैप कैटेगरी में आपको इन्वेस्ट करना है और लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहना है तो कौन कौन से फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे पहले तो एक रिकॉर्ड देखते हैं कि वन टाइम में पिछले 10 साल का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो एवरेज रिटर्न 17.76% का रिटर्न दिया है और SIP ने 16% का एवरेज रिटर्न दिया है। मेरे से अगर पूछेंगे कि कौन कौन से मिड कैप कैटेगरी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए तो मैंने जो चूज किया है SBI मिड कैप, HDFC मिड कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, एक्सिस ICICI का मिड कैप और सबसे फेवरेट मेरा जो सबसे पुराना फंड है निपॉन ग्रोथ फंड, पहले इसका नाम रिलायंस ग्रोथ फंड हुआ करता था। तो यहाँ पे देखते हैं, पहला जो 10 लाख रुपया 10 साल पहले किसी ने इन्वेस्ट किया तो यहाँ पे इस तरह से रिकॉर्ड है कि 2012 से लेकर 2022 तक टॉप का जो फंड है एडलवाइस है, फिर कोटक है, फिर SBI है। तो SBI का बात करते हैं, SBI में 10 लाख का वैल्यू बनाया है 58 लाख रुपया 19% के रेट से। मैं हमेशा बोलता भी हूँ कि आपको बैंक रिलेटेड म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए सेफेस्ट चलने के लिए, लंबे समय में चलना है। तो कौन कौन सा बैंक? SBI, ICICI, HDFC, एक्सिस, ये सब बैंक वाले हैं, कोटक हैं, बैंक वाले AMC हैं, तो वहाँ पर आप इन्वेस्ट कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि अपने आप में बैंक इतना बड़ा है और म्यूचुअल फंड उसी का पार्ट है। तो उसी में मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि बैंक वाले AMC में कीजिए। तो सबसे टॉप का जो एडलवाइस फंड है इसने बना दिया कितना, 10 लाख का पिछले 10 साल में 62 लाख रुपया 20% के रेट से। लेकिन एवरेज का अगर बात किया जाए कि हम सब जगह लगा दिए 1-1 लाख रुपया तो एवरेज जो मिला है 10 लाख का वैल्यू 51 लाख रुपया मिला है 17% के रेट से पिछले 10 साल में। वही अगर SIP का बात करें कि 10,000 रुपये पर मंथ का SIP किया पिछले 15 साल में, 10 साल में SIP का टाइम कम है, एवरेज अगर 10 साल का देखा जाए तो 5 साल ही हुआ क्योंकि हर महीने पैसा जमा कर रहे हैं। तो 10 साल में तो नेगेटिव भी रिटर्न देखा गया है कि आपने जमा किया 1-2% या नेगेटिव भी है। 15 साल का ड्यूरेशन है कि अभी तक का ऐसा भवंडर नहीं हुआ है धरती पे कि 15 साल में भी SIP नेगेटिव हो जाए। तो 15 साल का अगर रिकॉर्ड देखते हैं 2007 से लेकर 2022 तक, पहला फंड का नाम है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी, 34,000 करोड़ का AUM, बम्पर एग्जाम जो है इसके पास AUM जो है 34,000 करोड़। हम देशवासियों ने 34,000 करोड़ यहाँ पे पैसा लगाया है, पुराना फंड है 2007 से लेकर 2022 तक 10,000 रुपये पर मंथ, पिछले 15 साल में कितना जमा हुआ, साल का 1,20,000 हुआ तो 15 साल किया 12, 15, 18 लाख जमा किया, 18 लाख का 83 लाख रुपया बना है 18% के रेट से। अगर SBI फंड का बात करते हैं, यहाँ पे SBI मैग्नम मिड कैप, इसमें 10,000 रुपये पर मंथ जमा किया, AUM कितना है इसमें 8,100 करोड़, 2007 से लेकर 2022 तक जमा किया 18 लाख, वैल्यू है 75 लाख 17% के रेट से। अगर एवरेज का बात किया जाए कैटेगरी एवरेज तो 69 लाख रुपीज़ यहाँ पे बना है 18 लाख का वैल्यू, 16.45% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके SIP ने दिया है। अब मैं ये बोलता हूँ कि 2,000 रुपये सब में इन्वेस्ट कर दीजिए, जैसे ही मैं बोलता हूँ कि 2-2, 5 मिड कैप में कर देंगे तो भवंडर सा क्वेश्चन आता है, खड़ा हो जाता है कि ओवरलैप हो जाएगा। ये ओवरलैप बात मुझे समझ में नहीं आता है। मैं यहाँ पे दो फंड का नाम लेता हूँ, SBI और HDFC। यहाँ पे रिकॉर्ड देखते हैं कि SBI में पैसा इन्वेस्ट किया तो उसके फंड मैनेजर ने ये सब कंपनी में पैसा लगाया, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, पेज इंडस्ट्री, क्रेसिल लिमिटेड, शीला फॉर्म, इस तरह से करके फंड में पैसा लगाया। अब HDFC का बात करते हैं, HDFC मिड कैप में देखते हैं द इंडियन होटल, मैक्स हेल्थ केयर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इस तरह से करके HDFC ने पैसा लगाया। अब यहाँ पे मैं अगर देखना चाहूँ कि कॉमन क्या है तो द इंडियन होटल कंपनी यहाँ देखेंगे और SBI में देखेंगे 8वें नंबर पे आता है द इंडियन होटल कंपनी, यहाँ पे 3% लगाया है जबकि HDFC ने कितना लगाया है 5% लगाया है। दूसरे उदाहरण से समझते हैं कि एक बड़ा सा खेत है, अब इसमें 4 फंड मैनेजर है बैठा हुआ, 4 किसान है, सब लोगों को आलू, प्याज, टमाटर, गोभी, धनिया पत्ता बो देना है। तो एक आदमी अगर बो दे धनिया पत्ता और आलू टमाटर गोभी तो जितना होगा, मान लो जितना भी हो जाएगा, और 4 आदमी अलग अलग होता और वो भी उतना ही बोता उतने ही खेत में, तो क्या दोनों का आउटपुट बराबर ही होता, दोनों का मेहनत बराबर ही होता? एक बंदे ने बो दिया सब जगह, रात में ऐसा बारिश हुआ वो सोता रह गया, तिरपाल बिछाया ही नहीं तो गया चौपट, और 4 आदमी तो कोई तो जगेगा, इसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन, लगा दिया सब जगह। अब मान लो एक फंड मैनेजर को लगता है इस बार ना धनिया का क्रेज बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि धनिया जो है कम होने वाला है, उसने थोड़ा सा ज़्यादा धनिया बो के रख दिया, धनिया बिक रहा है 50 रुपये मुट्ठा,
और दूसरे को लगता है कि भाई धनिया तो हमेशा होता है, इसको कौन खरीदने वाला, अच्छा धनिया तो लगाएंगे नहीं, या थोड़ा सा लगाया तो गया वो काम से, धनिया ही बो दिया सब जगह, वो धनिया 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 50-50 रुपये मुट्ठा बिक रहा है। तो आप ये देखेंगे कि बोलता है ना कि ओवरलैप हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा, अरे होने दो ना ओवरलैप, उससे क्या फर्क पड़ता है। फिर बोलेंगे कि एक्सपेंस रेशियो ज्यादा बढ़ जाएगा, कैसे बढ़ जाएगा, ये तो लॉजिक मुझे समझ में नहीं आता है कि एक्सपेंस बढ़ जाएगा। मान लो आपने 1 लाख रुपए लगाया, तो एसबीआई का बात करते हैं, एसबीआई में एक्सपेंस रेशियो है 1.87, मैं 2% मान लेता हूं समझाने के दृष्टिकोण से, तो 1 लाख का 2%, 2,000 सालाना हुआ एक्सपेंस। आपने 1 लाख रुपए एक ही फंड में लगा दिया, तो साल का 2,000 रुपया एक्सपेंस कटेगा, खर्चा है भाई, फंड मैनेजर है, हमको मिलना है, कॉल सेंटर चलना है, तामझाम, कंप्यूटर है, सब कुछ मिला के खर्चा 2,000 रुपया है, तो आपको काट के ही देता है। अगर 16% रिटर्न मिला है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि एक्चुअल में तो 18 था, 2% काट लिया तो आपको 16 मिल गया। अब आपने एक बार 1 लाख रुपया रखा तो दो भी 2,000 कटा। मैंने कहा एक बार में 1 लाख रुपया एक जगह न लगा के 10-10 हज़ार रुपया लगा दीजिए, तो 10 हज़ार 10 हज़ार 10 हज़ार करके 10 फंड में लगा दिया। अब 10 हज़ार का 2% कितना होगा, 200 रुपया एक्सपेंस रेशियो। ये वाला 10 हज़ार का एक्सपेंस कितना होगा, 200 रुपया। तो उसी तरह 200 का मिला के 200-200 रुपया जोड़ेंगे तो 2,000 रुपया आएगा ना, बतवा तो बराबर हुआ ना, एक बार लगाया तो 2,000 रुपया एक्सपेंस रेशियो, 10-10 हज़ार रुपया सब में लगा दिया तो भी 2,000 एक्सपेंस रेशियो है। तो एक्सपेंस तो बराबर ही आना है, मैथमेटिक्स का फार्मूला तो गुना करेंगे तो एक ही आएगा। जहां तक बारला ओवरलैपिंग का बात है, तो ओवरलैपिंग डाइवर्सिफिकेशन के लिए जरूरी है, उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। कुछ नुकसान होना है तो हमें बताइए, कमेंट सेक्शन में समझाइए, जो कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं। अब उन लोगों को ही एक्सपेंस ज्यादा लगेगा या लगता है जो 9th और 10th में पीछे वाला बेंच पे बैठते थे, वो समझ में ही नहीं आएगा उनको, मैं बता दूं तो भी समझ में नहीं आएगा। और यहाँ जो 36,000-37,000 सब्सक्राइबर है ना, ये अपने ज़माने में 90% से ऊपर नंबर लाए हैं और आगे वाला बेंच पे बैठने वाले बंदे हैं, तो इनको सब कुछ समझ में आता है। जो लोग ये सोचते हैं ना, अरे क्या फ़र्क पड़ता है, कोई 8% रिटर्न दे रहा है, कोई 10% दे रहा है, कोई 15-16% रिटर्न दे रहा है, इससे क्या होगा। होता क्या है ना, हम सोच ही नहीं पाते हैं, हम सोचते हैं 1 साल 2 साल का बात, लेकिन आगे अगर सोचेंगे ना लंबा समय के लिए, फिर आपको समझ में आएगा, दिमाग का खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन हो जाएगा। अच्छा ऐसा हो सकता है क्या, एसआईपी के सेक्शन में गए, 10 हज़ार रुपये पर मंथ 15 साल तक 16% का एवरेज रिटर्न मिला है, वही कैलकुलेट करूं तो टोटल जमा होता है 18 लाख, वैल्यू होता है 74 लाख रुपया। नहीं 16 मिले, अगर 12 भी मिलता है तो कितना होता है, यहाँ पे देखते हैं 18 लाख का वैल्यू 50,45,000 रुपया होता है 12% के रेट से। यही पैसा बैंक, पोस्ट ऑफिस, सेफ सेफर जगह लगाते हैं और 7% के रिटर्न से मिलता रहे तो 50 लाख के जगह 31 लाख रुपये बनता है, 31-32 लाख रुपये मिलेगा। यहाँ टैक्स भी आपको 30% या 20% देना है और वहाँ म्यूचुअल फंड में हमेशा 10% देना है। तो कैलकुलेट करेंगे लंबे समय के लिए तो पता चलेगा कि ज़्यादा नहीं, 15-20 साल मेहनत करके पैसा इन्वेस्ट करके इतना हो जाएगा कि आगे का रिटायरमेंट का ज़िंदगी आराम से जी सकते हैं। रिटायरमेंट का ज़िंदगी का ये मतलब नहीं कि कुछ काम नहीं करेंगे। एक बार ट्राई किया था हमने, कोई काम ना करूँ, ट्राइग्लिसराइड इतना बढ़ गया कि लगा कि अब ऊपर जाएंगे। तो बचने के लिए, शरीर को जिंदा रखने के लिए काम करना जरूरी है। तो अब काम पैसा कमाने के लिए नहीं करते हैं, शरीर स्वस्थ रहे इसके लिए काम करते हैं, उल्टा रिश्ता है। अब यहाँ पे उन लोगों के लिए बात करते हैं जिनका एज 20 से 35 है और ताज़ा ताज़ा नौकरी लगा है, सैलरी आया है, 1-2 साल हो चुका है, अब फ्लैट लेने के चक्कर में है। अपना फ्लैट तो जरूरी है ना, इमोशन होता है, भावना होता है, फीलिंग होता है, जरूरी होता है ना। मेरे घर पे एक ना मिलने के लिए आ गया हमसे, बोलते राजू जी आप मना करते हैं घर के लिए, पर अपना घर तो अपना ही होता है ना, इतना इमोशन, भावना, ये वो तामझाम हमने तो बना लिया है। तो कैसे बनाया, 30 लाख का प्लॉट खरीदा था, 25 लाख रुपया बनाने में लगा, 55 लाख रुपया में बन गया। तो मैंने उनको कहा यदि अभी कोई 80 लाख रुपया आपको दे दे तो क्या ये घर उनको बेच सकते हैं, तो आराम से बोला हाँ बेच देंगे, इतना फायदा होगा तो जरूर बेच देंगे। फिर कहाँ गया वो इमोशन, भावना, फीलिंग, एक घर होना चाहिए, ये सब कहाँ गया। ये सब बात है ना, अंत में सबको पैसा ही चाहिए, अंत में सबको पैसा चाहिए, पर हो नहीं पाता है, बेचैनी में सब लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, इतना बेचैनी की भाग दौड़ कर रहे हैं। एक छोटा सा कहानी है, एक लकड़हारा ना बेचैन था पड़ोसी को देख के कि उसने कोठी ले लिया, बाइक भी खरीद लिया और 100 गज का प्लॉट भी खरीद लिया दूर में कहीं पे, बताया भी नहीं, परेशान था। और लकड़ी काटने हर बार जंगल में जाता था, परेशान होके 40-50 किलो लकड़ी लाता था, 100-200 में बेचता था, जीवन यापन करता था, देख देख के इसको कुढ़ते रहता था, अंदर अंदर चिढ़ते रहता था।
तो रोज आना जाना इनका लगा रहता था, एक दिन के लिए जीवन यापन करने के लिए रोज उनको जाना ही पड़ता था। तो वहां पे जंगल में एक साधु जी बैठे हुए थे, उनको देख के हंसने लगते थे, रोज जाते थे आते थे, रोज देख के मुस्कुराते थे। एक दिन लकड़ारा को गुस्सा आया, साधु के पास बोले, ऐसे कुल्हाड़ी रखे, बोले आप हमको देख के क्यों हंसते हैं, हम तो ऐसे ही परेशान हैं और आप हमको देख के चिढ़ाते हैं। बोले तुम बैठ जाओ। बोले बैठ कैसे जाऊँ, घर में खाने को कुछ नहीं, बैठने बोल रहे हैं आप। बोले बैठ जाओ, मैं तुमको 1 लाख रुपया दूंगा, बैठ जाओ। 1 लाख सुन के वो बैठ गया। बोला धीरे धीरे सांस, आंख बंद कर लो और धीरे धीरे सांस लो। लिया 2 4 बार। बोला कितना देर लेना पड़ेगा? बोले 1 घंटा बैठो, दूंगा 1 लाख रुपया, शांत हो जाओ, कुछ मत सोचो, उसको कोठी है, बंगला है, कार है, गाड़ी है, सब भूल जाओ, धीरे हो जाओ, सांस को थोड़ा हल्का कर दो। लेने लगा, उसको सुगंध आने लगा। बोला बाबूजी, यहाँ तो कुछ आसपास चंदन का लकड़ी लग रहा है हमको, इतना सुगंधित। बोला पता चल गया, मिल गया 1 लाख रुपया, जाओ थोड़ी देर, यहीं तक आते थे ना, लकड़ी काट के चले जाते थे, थोड़ा सा आगे जाओ। थोड़ा सा आगे गया, चंदन का लकड़ी ही लकड़ी भरमार काट काट के ले गया। एक एक दिन में 1 1 लाख रुपया कमाने लगा, उससे कहीं ज़्यादा अमीर हो गया, गांव का सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति बन गया। तो कैसे हुआ? शांति से रहना है, धूप में बैठना है, 700 ग्राम धीरे धीरे फल खाना है, अपने आप आ जाएगा, पैसा बरसने लगेगा। खोपड़ी को ना शांत रखना है, जितना शांत रखेंगे अपने आप आएगा। अभी क्या है, हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं, नहीं भागना है, शांत रहना है। इस कहानी को हमेशा ज़िंदगी में याद रखना है। आप देखेंगे यहाँ पे रिकॉर्ड कि ये घर घूर सब बाद में करेंगे, जब फाइनेंशियल फ्रीडम पा लेंगे। तो यहाँ देखते हैं कि 50 लाख रुपया का जो जवान लोग हैं ना, अभी सैलरी हुआ है और बयाना देने के लिए तैयार है, 4 5 लाख रुपया, 50 लाख का फ्लैट कोटक का बात करते हैं या SBI मैग्नम का बात करते हैं, पिछले 10 साल में 2 करोड़ 98 लाख रुपया और 2 करोड़ 91 लाख रुपया बनाया है इस दो फंड ने। एवरेज का बात कर लेते हैं, हमको नहीं पता है अच्छा कौन खराब कौन, तो एवरेज का 50 लाख का वैल्यू 2 करोड़ 98 लाख रुपया बनाया है 17% के रेट से। आप जो फ्लैट खरीदने जा रहे हैं वो भावना नहीं घुसा रहे हैं वहां पे, ऐसा आपके खोपड़ी में ऐसा चल रहा है कि ये फ्लैट ना करोड़ों का हो जाएगा, फिर तो मजा ही आ जाएगा, बिल्कुल मजा नहीं आएगा। वो किसी समय में प्लॉट फ्लैट ने इतना अच्छा रिटर्न दे दिया, हमेशा नहीं देगा, ये फंड हमेशा देता आया है, अभी भी दिया है, पीछे भी दिया है और आगे भी देता रहेगा, लंबे समय तक रिमेन इन्वेस्टेड यहाँ पे रहना पड़ेगा। तो इस तरह का पैसा अगर हो सकता है तो खोपड़ी में बेचैनी पालने का कोई मतलब नहीं है। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे ज़रूर शेयर करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।